सभी को प्रणाम करता हूँ। द विंटेज मैन ऑफ म्यूजिक चैनल में आपका अभिनंदन है। सोनी का मिनी हाईफाई कंपोनेंट सिस्टम जिसका मॉडल नंबर है VX8 आपके सामने लेके आया। तो 200+200 वाट RMS आउटपुट है और जो पीक मोमेंट्री ऑफ पावर आउटपुट है वो 3400 वाट है। ज़बरदस्त साउंड और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसी का रिव्यू करते हैं और चेक करते हैं। तो ये इसका पीछे का कंडीशन आप देख सकते हैं, इससे बढ़िया कंडीशन तो शायद ही मिलता है। और चेक कर लेते हैं इसके सबसे पहले मॉडल नंबर, यहाँ पे मॉडल नंबर HCD VX8 और कॉम्पैक्ट डिस्क डेक रिसीवर सोनी कॉरपोरेशन टोक्यो जापान। बाकी यहाँ पे सिस्टम वीडियो आउट के लिए सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें PAL NTSC वीडियो फॉर्मेट के लिए, और यहाँ पे वीडियो आउट निकलेगा अगर वीडियो CD भी प्ले करता है। उसके बाद में यहाँ CD डिजिटल आउट है, एंटीना के वायर यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप ऑक्स इन, यहाँ पे भी इन, और ये लाइन आउट के लिए है। सब ऊपर प्री आउट निकलता है। यहाँ सराउंड के स्पीकर लेफ्ट राइट कनेक्ट होंगे और यहाँ पे मेन इसके फ्रंट स्पीकर कनेक्ट होंगे। एग्जॉस्ट दिया हुआ है, वोल्टेज सेलेक्टर भी है, कवसेंस लिखे हुए हैं। बाकी स्पीकर देख लेते हैं। यहाँ कोने से कोना आप देखिए, बिल्कुल ही बढ़िया कंडीशन में है, कहीं से भी कोई डैमेज नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल और शानदार कंडीशन में है। तो ये इसका सामने का लुक देखिए, क्या बेहतरीन है, बिल्कुल स्क्रैचलेस, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और ये आपको ओरिजिनल रिमोट मिलेगा इसके साथ, जिसका मॉडल नंबर भी आप यहाँ देख सकते हैं। और चेक कर लेते हैं इसमें, सबसे पहले यहाँ से पावर ऑन करते हैं, उसके बाद ये स्टैंड बाई और डेमो मोड ऑन ऑफ करने के लिए है। यहाँ पे 1, 2, 3 डिस्क सेलेक्ट करेंगे, स्किप करने के लिए ओपन क्लोज, टाइमर सेटिंग के लिए इधर कुछ 4 कीज मिल जाती है, डिस्प्ले के लिए ऑप्शन मिल जाता है आपको। बाकी यहाँ पे फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में टेप को रिवर्स प्ले करने के लिए, फॉरवर्ड प्ले करने के लिए, टेप बी को रिवर्स फॉरवर्ड प्ले करने के लिए, यहाँ से स्टॉप CD और कैसेट दोनों, प्ले पॉज CD के लिए, ट्यूनर और ट्यूनर बैंड, यहाँ पे एडी डायरेक्शन, ट्यूनर मेमोरी, प्ले मोड डॉल्बी NR, रिपीट स्टीरियो वन मोड। उसके बाद यहाँ से इफेक्ट ऑन ऑफ करने के लिए है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे प्रीसेट इक्वलाइजर में काफ़ी कुछ मिल जाता है, ड्रामा, स्पोर्ट्स, शूटिंग, रेसिंग, RPG, बैटल, एडवेंचर, ये पर्सनल फाइल्स हो गई आपकी, रॉक, पॉप, जैज, डांस, सोल, एक्शन, रोमेंस। और उसके बाद में यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसके इक्वलाइजर को सेट कर सकते हैं, जिसमें कि 1 kHz पर आ गया, यानी लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, मिड पर। उसके बाद में ये पर्सनल फाइल है मेमोरी सेव करने के लिए, यहाँ पे इक्वल लेवल और माइक लेवल है, आपको माइक 1 और 2 मिल जाते हैं। DJ के यहाँ पे कुछ बटन दिए हुए हैं जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं उसको। और उसके बाद में ये सेलेक्ट करने के लिए रिटर्न, प्री, नेक्स्ट, यहाँ पे ग्रूव ऑन ऑफ करने के लिए, ये रिवाइंड के लिए, और ये फॉरवर्ड के लिए, ये आपकी काम करेगी अगर ट्रैक चेंज करना है तो CD का। उसके बाद ऑटो भी, और यहाँ पे CD नॉन स्टॉप प्ले, ये कैरियोके, पोन MPX, ये सिंक्रो इक्वलाइजर, सिंक्रो बास, DBFB, सराउंड मोड। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए हो जाते हैं, कैसेट से कैसेट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, CD से कैसेट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या कोई इनपुट देके भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्पीकर की कंडीशन देख लेते हैं, तो 5 स्पीकर है, बहुत ही ज़बरदस्त, ट्विटर वगैरह सब कुछ कंप्लीट इसका, ओरिजिनल कंडीशन है। नज़दीक से दिखा देते हैं आपको, और ये इसका सराउंड स्पीकर है, और ये वाला भी एकदम ओरिजिनल और शानदार कंडीशन में, बहुत ही बढ़िया। चलाते हैं इसको, चेक कर लेते हैं CD का सबसे पहले, तो प्ले करते हैं। ये नेक्स्ट, रूठ न जाना, नेक्स्ट, ये ओपन करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया एकदम वर्किंग में है, शानदार।
भी रीडिंग बोर्ड पे आ गया। तो ये समरी भी आ गया। तो सीडी का एकदम बढ़िया वर्किंग में है और बिना स्किप किए प्ले करेगा वीडियो सीडी ऑडियो सीडी। अभी इसका कैसेट भी चेक कर लेते हैं। तो चलाते हैं इसका दो साइड का कैसेट पहले चेक कर लेते हैं और पहले फॉरवर्ड साइड प्ले करेंगे। रिवर्स में कैसेट तो कमाल की है। साउंड भी इसका बहुत मस्त है, एकदम ही क्लीन साउंड आ रहा है। अभी बी साइड भी चला के चेक कर लेते हैं इसकी। तो इसका बी साइड का कैसेट भी चेक कर लेते हैं। ये वाला मैं कैसेट लगा रहा हूँ, फिर आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मैं चला के चेक करवा दूंगा। प्ले करते हैं पहले। ये रिवर्स में साउंड भी बहुत मस्त है, परफॉर्मेंस भी कमाल की है। अब मैं आपको इसको इनपुट देके और एक रिकॉर्डिंग करके बता देता हूँ कैसेट को। तो इस पे लगाएंगे प्री रिकॉर्डेड कैसेट। अभी ये शुरू में आ गया है सबसे पहले। अभी यहाँ से मैंने कनेक्ट किया हुआ मोबाइल और यहाँ से रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। पहले तो रिकॉर्डिंग चालू हो गया। अभी यहाँ से फंक्शन सेलेक्ट करेंगे वीडियो। काफ़ी होगा। अभी इसको करते हैं स्टॉप और टेप भी थोड़ा सा रिवर्स करते हैं इसको। और प्ले प्ले। तो रिकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया करता है। कई बार कई लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ।
रिकॉर्डिंग भी बहुत ही क्लीन हो रही है, जैसे साउंड आ रही थी मोबाइल के थ्रू वैसे ही इसमें रिकॉर्डिंग हुआ। और अब इसका FM चला के चेक कर लेते हैं और इसका ऑक्स का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो ट्यूनर चलाने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें हमें सपोर्ट करने के लिए। बाकी तो बेल आइकन को प्रेस रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सही से सुझाव दिया जाएगा। तो इसका FM सेलेक्ट करते हैं। मेरे हम सफर कम सफर तेरा दीवाना दीवाना मता या अनजाना पगला कहीं चलिया अनजा आशिक पे गाना लो पर अनाड़ी बढ़ते का नाम दाढ़ी चलते का नाम गाड़ी बढ़ते का नाम दाढ़ी चलते का नाम गाड़ी जब प्यार किसी से होता है तो FM का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। अभी इसका ऑक्स लगा के चला के चेक कर लेते हैं। तो मैंने मोबाइल कनेक्ट कर दिया है, वीडियो मोड पे है और ये चेक करते हैं कोई हाई। ज़बरदस्त है, बेस भी बहुत कमाल की है। खरीदना चाहते हैं तो चैट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।